वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, क्या लास्ट बॉल पे सिक्स मारा यार श्रेयस अय्यर ने। ये जो लास्ट बॉल पे सिक्स मारने वाला जो फंडा होता है ना दोस्तों, उससे जो बैटिंग टीम होता है उनका मोरल एकदम हाई हो जाता है। मतलब दे गो आउट विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ऑन टू द फील्ड इन द सेकंड इनिंग्स टू बॉल विथ कि भाई लास्ट बॉल पे सिक्स मारा, एक अच्छा एक फिनिश मिला हमको, चलो बॉलिंग भी ऐसे स्पिरिट के साथ करते हैं। तो वो मोरल बूस्टिंग एक चीज होता है लास्ट बॉल सिक्स, एंड श्रेयस अय्यर यार खड़ा रह के जो बजाया सुपर्ब यार, लास्ट ओवर भी काफी फ्रूटफुल साबित हुआ दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बट आई थिंक वेरी वेल बोल्ड कोलकाता नाइट राइडर्स यार, दे कैप थिंग्स वेरी वेरी टाइट। इनफैक्ट शिखर धवन यार पूरा एकदम वनडे इनिंग्स खेल लिया यार, 36 रन्स फ्रॉम 39 बॉल्स यार, इट इज जस्ट नॉट डन यार, टुक अ लॉट ऑफ बॉल्स टू मेक सो मेनी रन्स, एंड नन ऑफ अदर दिल्ली बैट्समैन रियली गॉट गोइंग यार। मार्कस ट्वेनिस भी बहुत सारा बॉल्स लिया यार, कितना 18-18 कुछ रन जो भी उन्होंने बनाया, एंड हेटमायर यार एक जीवन दान जो मिला यार, क्या कैच था वो अपना शुभमन गिल का, सुपर कैच यार। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली नो बॉल हो गया वरुण चक्रवर्ती का बॉलिंग पे, बट सुपर कैच था, परफेक्ट कैच ऑफ द मैच होता था, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट टू बी नाउ। बट एनीवे शिमरॉन एटमायर जीवन दान जो मिला उसको ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाया, 2 सिक्स मारा बट यार कुछ हुआ नहीं, कितना 17-17 रन कुछ बनाया। थैंकफुली श्रेयस अय्यर था वहां पे, थोड़ा बनाया उन्होंने, बट स्टिल इट्स अ लो स्कोर यार। एंड अभी एक बात बताता हूं मैं भाई, पिच उतना खास नहीं है, इट्स नॉट अ बेल्टर ऑफ अ विकेट, द बॉल इज कीपिंग रियली रियली लो एट टाइम्स। तो कोलकाता ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, यही बॉलिंग उन्होंने आरसीबी के साथ भी किया था यार, वो जो बीच का ओवर्स था उसमें बहुत टाइट रखा रन रेट यार, मतलब मौका ही नहीं दिया दिल्ली बैट्समैन को, लाइक आरसीबी बैट्समैन इधर मौका ही नहीं मिला उनको। नाउ वी विल हैव टू सी हाउ वेल दिल्ली विल बोल, बॉलिंग पूरा है उनके पास, स्पिनर हो, फास्ट पेसर्स हो, सब कुछ है। अब क्या कोलकाता अच्छे से बैट कर पाएगा, किस तरह का स्टार्ट मिलेगा उनको, उस पर निर्भर करेगा इसका रिजल्ट। बट ऑल द बेस्ट टू बोथ टीम्स। दोस्तों आपका क्या टेक है इस फर्स्ट इनिंग्स के बारे में लिखकर बताना। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।